Here are 5 reasons why you should not visit IKEA. नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा शोरूम है, उतना ही बड़ा पार्किंग है, तो राइट फ्रॉम स्टेपिंग इनटू पार्किंग जोन वहां से लेकर लाइक पूरा चेकआउट होने तक एवरी स्टाफ मेंबर इतना सुपर कोऑपरेटिव है। तो प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद व्हेनेवर आप दूसरा शोरूम विजिट करोगे कोई भी, तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड कि यार आप आइकिया वालों जैसे कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो, इसीलिए यू शुड नॉट विजिट आइकिया। नंबर टू, द साइज, इट डज मैटर। इतना बड़ा शोरूम में इतने सारे चॉइसेस, लाखों चॉइसेस और सब कुछ अच्छा है, तो कंफ्यूजन बहुत हो जाता है कि ये लू कि वो लू, तो ऐसी जगह जाने क्यों अपने को जहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो। सो दिस इज अ वेरी बिग रीजन यू शुड नॉट विजिट आइकिया। नंबर थ्री, देयर इज वेरी हाई चांस आपको अंदर नेटवर्क नहीं मिलेगा बिकॉज उन्होंने जैमर इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए कि आप वहाँ पे उनके फर्नीचर पे आराम करके मस्त चैटिंग करो, कॉल करो, ये करो वो करो। प्रॉब्लम ये है कि मैं वेला हूँ बट सारे लोग वेले नहीं है, तो वॉट इफ आई वॉन्ट टू शो लाइक माई पार्टनर और जो मेरे साथ नहीं आ पाए, पार्टनर पेरेंट्स या फिर कोई भी दोस्त वगैरह कि सी दिस पिक्चर, हाउ डज दिस लुक, ये खरीदूँ नहीं खरीदूँ, तो आइकिया व्हाट विल आई डू, मेरे मैसेज डिलीवर नहीं हुए आपके शोरूम में 5-5 घंटे, 2 ब्रेकअप्स हो गए मेरे आपके शोरूम की वजह से। बट मूविंग ऑन, नंबर 5 एंड फाइनल रीजन, आइकिया का सारा फर्नीचर में मेन कंपोनेंट था पार्टिकल वुड। पार्टिकल वुड एक ग्लोरीफाइड नाम है भूसे के लिए, तो भूसे को कंप्रेस एंड मोल्ड करके दे हैव मेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वुडन फर्नीचर एंड ऑल। तो इसके मुझे 2 प्रॉब्लम लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतने पैसे देके भूसे का फर्नीचर खरीदना नॉट माय चॉइस। सेकंड रीजन इज कि घर में आप लादी पोछा वगैरह करते हो तो फर्नीचर थोड़ा भीग जाता है, तो इन केस ऑफ भूसा वो फूल जाता है एंड कभी कभी सड़ भी सकता है। सो दैट वाज द रीजन व्हाई आई डिडंट गो फॉर वुडन फर्नीचर, आई मतलब क्या पेरेंट्स डिडंट गो फॉर वुडन फर्नीचर एट आइकिया। सो या, these were the 5 reasons why you should not visit IKEA, because you will hate yourself कि मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे इतनी awesome जगह पे, and you might end up loving it. So thank you, make sure to subscribe my YouTube channel Mac Magnet.